जैन फोक्स सीएफएफएससी मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जनार्दन, एसी 2018 पैच। आज मैं बात करने वाला हूं प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए आपकी पढ़ाई में, उसके बारे में। आप लोग मैसेज करते रहते हो, तो जो मैंने ट्रिक्स और प्रोसीजर्स फॉलो की थी उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने भी वीडियोज़ देख के ही सीखा था, तो उसको आपका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पेपर टू की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ भी चलती है और पेड कोर्सेस और टेस्ट सीरीज़ भी, उसको चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के लिए, मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करता था ज़्यादा, तो 600 आवर्स पे, तो वो मेरे हिसाब से अच्छी होती है। जिसको रात को करना है वो रात को कर सकता है। जो सबसे पहली बात जो है, आपको ओवर ईटिंग करना बंद करना है। ओवर ईटिंग से आप स्लो हो जाओगे और आपकी जो इफिशेंसी है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और उससे आपको सुस्ती आएगी, स्लो हो जाओगी, ठीक है। जो हैबिट्स होती है हमारी खाने की, उसको इम्प्रूव कीजिए। उसके लिए आपको विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। मैंने भी ये वीडियोज़ देख के ही सीखा था विल पावर कैसे बढ़ाई जाती है, उसके वीडियोज़ भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। दो तीन ट्रिक्स मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले बात, कोई आपके सामने आप टॉफी वगैरह रख लो पढ़ाई करते समय, उसको एक घंटे तक मत छू, ठीक है। एक घंटा पढ़ाई हो जाती है फिर एक टॉफी खाओ, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहो। अगर मान लो आपको कुछ मिठाई पसंद है तो मिठाई का एक टुकड़ा रख लो और उसको एक या डेढ़ घंटे तक अपने सामने ही रखो, खाओ मत उस टाइम तक। जब आपका डेढ़ घंटे का सेशन कम्प्लीट हो जाता है तब आप उसको खा सकते हो, और ऐसे ही आप धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ाते रहो, ठीक है। तो ये विल पावर बढ़ाने के का एक तरीका है। आप उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बट आप एक दो को भी फॉलो करोगे तो आपकी विल पावर बढ़ती रहेगी। दूसरी चीज, वाटर का इंटेक बढ़ाओ। वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फ्रेश रखने के लिए। 4 या 5 लीटर्स का वाटर पियो और हर आधे घंटे बाद, 15 या 20 मिनट बाद पानी पीते रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फ्रेश रहोगे और आपका देखना, आप एक दो दिन करके देखो ये सब ट्रिक्स, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखेगी। तीसरी चीज़, खाना भी है तो टुकड़ों में खाओ, एक साथ बहुत ज़्यादा खाओ मत लो। मैं जो करता था वो है कि मॉर्निंग में अच्छा अंडे खा लेता था, ठीक है, प्रोटीन्स भी होते थे उसमें, और ब्रेकफास्ट वगैरह ज़्यादा करता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं स्लो हो जाता था उससे। तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो पर हैवी ब्रेकफास्ट मत कर लेना, क्योंकि जनरली डाइटिशियन ऐसे ही सजेस्ट करते हैं हमें कि आप हैवी ब्रेकफास्ट करो, फिर वो लंच में थोड़ा कम, फिर डिनर में थोड़ा कम कर दो, इस तरीके से। बट आप आपके पढ़ाई के हिसाब से देखो कि आपको अगर लग रहा है भूख नहीं लग रही है तो मत खाओ, और सेशन जो है वो दो दो घंटे के करो, दो दो घंटे तीन तीन घंटे के रखो टेस्ट मैच की तरह, और उसमें सब सेशन रखो कि एक एक घंटे के, उसके एक से एक घंटे बाद 5 या 7 मिनट का ब्रेक ले लो, ब्रीदिंग करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, सांस लेते रहो, है ना। जो ब्रीदिंग करते रहोगे अच्छे से 5 या 10 मिनट बाद आप थोड़ी सी हैवी ब्रीदिंग करो, ठीक है, उससे आप फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद आप कुछ प्राणायाम्स भी कर सकते हो सुबह सुबह उठने के बाद 15 या 20 मिनट के लिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। शाम को 4 या 5 बजे के आसपास आप 20 या 25 मिनट का एक्सरसाइजेस कर सकते हो, उससे भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप देखना ये इम्प्लीमेंट करके देखो। आप ये नहीं कर रहा हूँ, आपका सुबह के 15 मिनट और शाम के 25 मिनट 40 मिनट के आसपास ही टाइम जा रहा है, पर आपको ये पे ऑफ करके जाएगा बहुत ज़्यादा। पढ़ाई करते समय मॉर्निंग में जो आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है तो आप उसको ख़त्म कर लो, ठीक है, आप उसको ख़त्म कर लो मॉर्निंग में, क्योंकि शाम तक जाते जाते आपकी एनर्जी जो लो हो जाती है, तो उसके कारण आप उस सब्जेक्ट को शाम में नहीं कर पाओगे, तो मॉर्निंग में कर लो उसको। अब 4 महीने बचे हैं तो एटलीस्ट 2 बड़े सब्जेक्ट और एक जो छोटा सब्जेक्ट होता है उसको ले लो। मान लो ज्योग्राफी हिस्ट्री ले लिया, उसके साथ एनवायरमेंट ले लो, या ज्योग्राफी हिस्ट्री है उसके साथ मैथ्स भी ले लो। शाम में मैंने स्ट्रेटेजी में वो सब बता दिया, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नींद अच्छे से लो, 6 या 7 घंटे की नींद लो। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 12 या 14 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है अभी तो आपको नींद नहीं लेनी है। नींद बिल्कुल लो 6 या 7 घंटे की। दोपहर में मैं बोलता हूँ कि 1 घंटे की नींद ले लो, बट सुबह 6 बजे शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट इंश्योर करो कि 1 बजे तक वो पढ़ाई कर लो। देख लो आप कितने आवर्स की पढ़ाई आपकी पहले सुबह के सत्र में ही हो जाती है। तो उसके बाद थोड़ा खा लो, खाना खाने के बाद 1 घंटे की नींद ले लो, कोई बात नहीं है। 1 घंटे की नींद लेने के बाद फिर शुरू करो, फिर शुरू करोगे सेशन वाइज 2-2 घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के सेशंस कर लो। शाम में तो आपको बताया है मैंने कि क्वेश्चन सॉल्व करने आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब करना है आपको, प्रोडक्टिविटी आपकी अपने आप बढ़ती रहेगी।
लगता है आपको कि आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है तो कुछ वीडियो देख लो, एक या दो मिनट का, ठीक है। मैं तो सबसे ज़्यादा देखता था वो अकबर बिरबल बिरबल का जो वीडियो था संदीप माहेश्वरी का, कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो उसको देख लेता था और पंप अप हो जाता था मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ लॉस हुआ है, टाइम ख़राब हुआ है, तो मैं उसको देख लेता था और समझता था कि ठीक है, जो हो गया वो अच्छे के लिए हो गया, अब आगे का सोचते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो अपने आप को पुश करने के लिए। प्रोडक्टिविटी में, पढ़ाई में, रीडिंग जब कर रहे हो, तो ध्यान में रखो कि दिमाग में भी कुछ जा रहा है, सिर्फ पढ़नी, हमें सिर्फ 12 या 14 घंटे कंप्लीट नहीं करने हैं, हमें देखना है कि हमारे अंदर कितना जा रहा है ना, हमारे अंदर कितना जा रहा है, तो उसको देखते रहो। टेंशन फ्रस्ट्रेशन ये रहेगा ही आपके साथ, आप इसको कभी रिमूव नहीं कर पाओगे, आपको सोच के चलना है कि उसके साथ ही आपको पढ़ते रहना है, उसके साथ ही आपको रीडिंग करनी पड़ेगी मोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन के साथ। तो उसी हिसाब से आप तैयार रहो मेंटली, है ना, कि आप सोच के जाओगे 14 घंटे बैठा मैं और मेरी पढ़ाई बस 2 या 3 घंटे हुई, 2 या 3 घंटे नहीं होनी चाहिए, पर एटलीस्ट जो 12 या 13 घंटे बैठ रहे हो तो एटलीस्ट 8 या 9 घंटे की प्रोडक्टिव पढ़ाई आपकी अभी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के डेज है ये और आपको टाइम ज़्यादा नहीं है और अभी रिवाइज ही करना है, नया कुछ पढ़ना नहीं है, तो आपके लिए नया कुछ नहीं है, तो इंटरेस्टिंग ही होगा। टेस्ट सॉल्व करते रहो, सबसे बेस्ट है बीच बीच में, तो आपका मोराल हाई होता रहेगा, आपको आपकी गलतियाँ पता चलती रहेगी, ठीक है। तो डाइट का अच्छा रखो, खाने का जो है ऐसा कुछ मत खाओ कि जिससे बीमार हो जाओ, बीमार भी हो जाओगे, ज़्यादा फ्लू भी आ गया आपको, कि 2 या 3 दिन आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी लिंक भी ख़राब हो जाएगी, लिंक जो है पढ़ाई की आपकी चल रही है वो भी टूट जाएगी, ठीक है। मूवीज़ देखना, पार्टीज़ अटेंड करना, ये सब जो है ये सब अभी अवॉइड कर दो थोड़े दिन के लिए, कुछ नहीं बाद में कर सकते हो इसको, अभी अवॉइड कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अटेंड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मूवीज़ और पार्टी जो है बहुत ही ओकेजनली रखो, कि जब आपको लग रहा है 1 महीना 1.5 महीने का मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया और अभी ज़रूरत है मुझे सोशलाइज होने की, तो कर सकते हो। सोशल मीडिया बंद कर दो, सोशल मीडिया का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। यूट्यूब का भी मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मत देखो, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही वीडियोज़ देखो, ठीक है। अभी बुक्स जो आपके पास है उसको रिवाइज करो बुक्स को, और यूट्यूब पे आपको ढेरों हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे, हर एक चैनल अलग अलग वीडियोज़ बनाता रहता है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अभी वो टाइम नहीं है आपका, ठीक है। लास्ट के 3 या 4 महीने बचे हैं, तो आपको अभी आपने जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज करना है, नया कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सोशल मीडिया अवॉइड करना, मैं अभी बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप इससे दूर रहना है आपको, ठीक है। घर वालों से बात करते रहो, घर वालों से बात करते रहोगे तो अपने आप आपको जिम्मेदारियों का एहसास होता रहेगा और मोटिवेशन भी अलग ही मिलता है घर वालों से बात करने से, और आपको लगता है कि आप बहुत ही लो फील कर रहे हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको लगता है आपका कोई करीबी अच्छा दोस्त है, घर वाल घर में से कोई है, तो उससे आप ज़रूर बात कर लेना, अकेले में मत रहना, अकेले में रहोगे तो फंसोगे और ज़्यादा डिप्रेस होते जाओगे, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी के लिए इतनी ही चीज़ें कर लोगे ना आप, तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई है इसमें जो, तो वो है कि टेंशन और फ्रस्ट्रेशन आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपके सर पे हमेशा प्रेशर रहेगा कि कंपटीशन का, वैकेंसीज कम आती है, कंपटीशन ज़्यादा होती है, तो मैं कैसे निकल पाऊँगा, नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा, ये सब सोच के हमारी जो है प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम होती है पढ़ाई में, और हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। तो इसको समझना कि ये रहेगा ही, इसके साथ आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो उसका आप सोल्यूशन निकाल लो, ठीक है, और सबका अच्छा हो जाता है। हम भी टेंशन में रहते थे, बाद में एग्जाम क्लियर ही हो गया, अगर हमने धीरे धीरे करते रहे तो आप लोग भी कर ही जाओगे आपके कंपटीशन के हिसाब से। और स्ट्रेटेजी का मैंने वीडियो बना दिया है, आपको लग रहा है मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करो, पेपर 2 डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका। पेपर 1 में आप 150-160 लोग स्कोर कर ले रहे हैं, बट पेपर 2 में इतना इजी नहीं होगा, सब लोग 100 प्लस क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उसके रीजन से लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको प्रायोरिटी नहीं देते, पेपर 1 को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट आप ऐसा मत करो, आपके पास 4 महीने हैं, अभी 10% टाइम भी दोगे पेपर 2 के लिए और सॉल्व करोगे टेस्ट, आपके लिए परिश्रम बैच है बहुत अच्छी, और मेरे हिसाब से वो आपके मार्क्स बहुत बूस्ट कर देगी। आप भले ही आप घर कर रहे हो पढ़ाई और उस पर आप सोच रहे हो कि 95-100 जा रहे हैं, तो भी आप मेरे हिसाब से 100+ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गाइडेंस मिल जाता है वहाँ पे। तो वो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट सीरीज मैंने रखी है, ऐसा नहीं है, आपको वीकली टेस्ट आप देख सकते हो, वीडियोस को देखो, रिवाइज भी करो उसको, उन क्वेश्चंस पे ही, उसके आसपास ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में,
ठीक है, तो वो करना है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि टेस्ट को ज़्यादा सॉल्व करो, रीडिंग आप कम करो, पर टेस्ट ज़्यादा सॉल्व करो, उससे आपको पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है। तो टेस्ट सॉल्व करते करते एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। 2 घंटे के लिए पेपर सॉल्व किया तो एटलीस्ट 3 घंटे के लिए उसका एनालिसिस करो, उसके जो क्वेश्चन आए थे उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो इन 3 घंटे में। और सबसे बड़ी बात, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो उसमें, उसको आइडेंटिफाई करो, जो गलतियाँ हैं आपकी उसको आइडेंटिफाई करो और वो रिपीट ना हो, नोट डाउन करते जाओ पेज पे आप कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हैं पेपर सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत 3-4 ऐसे क्वेश्चंस होते जो हमें आ रहे होते फिर भी गलत कर देते हैं, है ना। तो वो क्यों गलत हुए उसको नोट डाउन कर लो और इंश्योर करो कि मेन पेपर में ये गलतियाँ ना हो, क्योंकि बहुत ही दर्द देगी आपको ये क्वेश्चन साल भर जब तक लिस्ट नहीं आती, पीडीएफ मेरिट लिस्ट नहीं आती तब तक। ठीक है, तो यही है, विल पावर को जरूर बढ़ाना है, जो मैंने पहले 2-3 मिनट में बताया है उसको जरूर इंप्लीमेंट करो। मेरे को मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, आपको ये कितना फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, और भी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछो, या टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे रीच कर सकते हो तो मैं उसके आंसर्स आपको ज़रूर करूँगा। कॉल पे भी बात कर लेता हूँ पर अभी थोड़ा बिजी हूँ, बट टेलीग्राम पे मैं ज़रूर इसके आंसर दूंगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया तो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, हमारे ऐप को डाउनलोड करो, CFPSC मेंटर्स को। जय हिंद।